मैं सोच रहा हूँ यार कि मनीष कश्यप जी को अब राजनीति में आना चाहिए। जैसे ही उनका ये मैटर खत्म हो, अपने यूट्यूब पर आए और उनको एक दो साल और अच्छे से लोगों से मिलें और बताएं कि मैं राजनीति में उतर रहा हूँ, और जो भी इलेक्शन आने वाला है हमारा बिहार में, उनको बताएं सबको कि हाँ मैं राजनीति में आ रहा हूँ। भाई जीतोगे, पक्का जीतोगे, 100% जीतोगे, आप राजनीति में आओ। वैसे आप सबका विकास थ्रू ब्लॉग्स में, और ये ब्लॉग होने वाली है मनीष कश्यप भाई के ऊपर, अनकट अनफिल्टर, सीधा दिल से दिल तक, विदाउट किसी एडिटिंग के। तो बात करेंगे आज मनीष कश्यप भैया की, क्योंकि वो आजकल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में छाए हुए हैं। अब उन्होंने एक न्यूज़ डाली थी, अब पता नहीं फेक है या सच है, अभी तो वो जांच का विषय है। उधर के लोग कह रहे हैं कि सच है, मनीष भाई कह रहे हैं कि ये उधर वाले कह रहे हैं कि गलत है, मनीष भाई कह रहे हैं कि ये सच है, जो उन्होंने वीडियो डाला वो सच है वीडियो। बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने जो अपने मजदूर भाई लोग हैं बिहार के, जब दूसरे प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ उनको हिंदी ना बोलने के कारण उनको प्रताड़ना मिलती है, उनको डांटा जाता है, गाली दी जाती है, बिहारी बोला जाता है, भैया बोला जाता है। ऐसा मुंबई में भी बहुत पहले होता था, अभी भी कुछ जगह होता है, बहुत कहाँ सुधार है, बट अभी भी यहाँ भी होता है। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा बोलने वाले मजदूर होते हैं, गाँव कस्बों के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको अक्सर ये सामना करना ही पड़ता है यार कि अगर वो हिंदी बोलते हैं तो वहाँ के लोग उनको चिढ़ाते हैं, भैया बोलते हैं या फिर गरीब बोलते हैं या फिर बिहारी बोल के या फिर यूपी वाले बोल के उनको सताते हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो अपना साउथ का कोई भी एरिया हो, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते हैं। और बात कुछ ऐसी भी होती है कि जो अपने यूपी बिहार के मजदूर होते हैं ना, या दो पैसा कम लेते हैं और अच्छा काम करके देते हैं, और जो उनके प्रदेश के लोग होते हैं ना, वो काम ज़्यादा काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, गरीब होते हैं, परिवार चलाना होता है, तो कम पैसों में काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है पैसों की, उनके पास नखरे नहीं होते, क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं, मजदूरी करना जानते हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं मैं इतने में करूँगा उतने में करूँगा, तो फिर घर का पेट कैसे पालेंगे, परिवार कैसे पालेंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ घर कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें को बहुत सामना करना पड़ता है उनको। तो यही सारी चीज़ें मनीष कश्यप भाई अपनी वीडियो में दिखाते थे कि वो लोग ऐसा करते हैं। अब सरकार उनके ऊपर ये कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, उनके साथ आतंकवादियों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो अब छिपे फिर रहे हैं कि हाँ अपनी बात रखें अपनी बात रखें, तो फिर बताएं किसी को कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। सरकार उनका जो अकाउंट है वो भी अब फ्रीज कर दी है, ऐसा अभी ट्वीट आया था आज कि उन्होंने फ्रीज कर दिया है अकाउंट, जो भी उनके पैसे अकाउंट में थे वो सार्वजनिक कर दिया गया है। मतलब कुछ भी करके बस ये चाचा भतीजा जो अपने बिहार में इनका चल रहा है ना, मतलब कि अब ये हो गया है कि ये बंदा ना, जो इनका जो गलत काम करते थे ये लोग, चाहे जब नीतीश कुमार की सरकार थी तब भी वो वीडियो बनाता था, तब भी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, और अभी भी जब ये वाली सरकार आई है तब भी वो बोलता है, ऐसा नहीं कि तब नहीं बोलता था और अब बोलने लगे हैं। लेकिन इनको ना इतना डर लगने लगा क्योंकि इतनी व्यूवरशिप है उनकी, इतने फॉलोअर हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं इंस्टा पे, कि अब वो छोटा सा कुछ बोलते हैं ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सरकार को लग रहा है डर कि भाई मेरी पोल खोल देगा ये, तो इसको ना नीचे दबा दें। और वो ये नहीं सोच रहे कि जितना मनीष को नीचे दिखाया जा रहा है, जितना नीचे दबाया जा रहा है, वो बंदा उतना ही ऊपर उठते जा रहा है। पहले उसके पास सिर्फ अपना होता था ये यूट्यूब, उसके बाद धीरे धीरे उसकी बातें हुई हमारे प्रदेश में, जिले में, अब तो बातें होती हैं नेशनल टीवी पे। तुम जितना उसको सोच रहे हो कि मैं इसको गिरा दूं दबा दूं, उसकी बातें उतनी ही की जा रही हैं और उतनी ही उठ रही हैं। अब न्यूज़ वाले कवर कर रहे हैं हर चीज़, लंदन टॉप वाले बराबर उसको स्पेस दे रहे हैं अपने यूट्यूब पे, नेशनल टेलीविज़न दे रही है, एबीपी, आज तक, TV9 वाले तो जाके इंटरव्यू भी कराए। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम उसको दबा देंगे, और वो जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना सेंसेशनल हो जा रहा है। बात कुछ ऐसी होने वाली है ना ब्रो कि वो लड़ेंगे चुनाव, ये जो आने वाला हमारा चुनाव होने वाला है प्रदेश का, बिहार का, उसमें वो लड़ेंगे चुनाव और वो जीतेंगे भी बिना किसी दिक्कत के, वो बंदा जीत जाएगा। उसके पास ना मतलब सिर्फ मतलब सब्सक्राइबर ही नहीं है, उसके पास ना बिहार के लोगों का एक विश्वास भी जुड़ गया है कि ये बंदा कुछ करेगा हमारे लिए करेगा, कि वो बात भी करते हैं मजदूरों के लिए, बात करते हैं महिलाओं के लिए, बात करते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो जाके खड़े भी होते हैं। अभी वो आया था मामला जब पुलिस वालों ने मिलकर एक फौजी को मार दिया था, तो वहाँ भी उस परिवार के साथ वो खड़े हुए थे, इमोशनली भी और फिजिकली भी वो खड़े हुए थे वहाँ पे। तो लोगों को लगता है ना कि बंदा ये करेगा, और वो करेगा। मुझे लगता है ना कि मतलब अगर किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो सरकार से टकरा जाए तो वो राजनीति में तो आएगा ही, भले ही अभी उसको इतना सपोर्ट ना मिल रहा हो, चाहे बीजेपी से चाहे किसी और से, पता नहीं अंदर अंदर मिल भी रहा हो बट अभी खुल के नहीं मिल रहा है। बट हो सकता है कि इन सब चीज़ों से वो बाहर निकले तो पक्का है वो राजनीति में आएंगे और जीतेंगे 100%, क्योंकि उसने कहा भी है खुलेआम कि मैं ये भी सरकार हट जाएगी तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये सरकार नहीं आए, और मैं आह्वान करूँगा अपने फॉलोअर्स को या फिर अपने बिहार में कि अब तेजस्वी यादव को नहीं लेके आना है बिहार में, ये है वो है,
उसने खुल के बोला भी है। तो यार जिसके इतने फॉलोअर्स हों, सब्सक्राइबर हों और इमोशनली टच भी हो, सिर्फ मतलब कोई कॉमेडी भी नहीं करता है, वो सीधा मतलब भ्रष्टाचार की बात करता है या फिर बिहार की बात करता है, बिहार के गरीबों की, बच्चों की, महिलाओं की, जो निचला तबका है ना उसके बारे में अंदा बात करता है। तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि साइकोलॉजी लेके वो पहले ही चले हों कि मैं इसके बारे में बात करूँगा तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में ये हो। क्योंकि यार देखो सब सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, तो क्या होता उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा उन्होंने। अगर हर इंसान वो सोच सकता है, मैं भी सोचता जब मेरे भी फॉलोअर्स हैं तो मैं भी सोच सकता हूँ कि हाँ मैं लाओ ट्राई करता हूँ कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, और वो बंदा करेगा और जीतेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बंदा जीतेगा। और मैं कह रहा हूँ मनीष कश्यप भैया आप लड़ जाओ भाई, आप लड़ो मनीष जी, आप लड़ो चुनाव लड़ो और ना एकदम आओ, ये सब मैटर ख़त्म हो ना, आप खुल के सामने आओ सरकार के, खुद सपोर्ट मांगो, जनता से मांगो सपोर्ट और आ जाओ मैदान में। 2-2.5 साल मेहनत करो, जब तक सरकारें गिर नहीं आती, अपना ये इनका कार्यकाल पूरा नहीं होता, तब तक आप जो मजदूरों की बात करते हो उनसे बात करो, महिलाओं से बात करो, आने वाले भविष्य से बात करो, जो बच्चे हैं उनसे बात करो और लड़ जाओ। आप आओ अपने यूट्यूब पर, जनता के बीच आओ और चुनाव लड़ने की कोशिश करो और आप पक्का जीत जाओगे यार, पक्का जीत जाओगे। क्योंकि जो काम कम से कम आप यूट्यूब से नहीं कर पा रहे हो वो कम से कम आप आ जाओगे राजनीति में तब कर लोगे ना। तो बस आ जाओ, मेरे ख्याल से आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। भले मैं बिहार का ना हूँ बट बिहार में मेरे भी इंस्टा फैमिली बहुत ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे मैं भी हो रहा हूँ, ग्रोथ हो रही है मेरी इंस्टा पे, तो मैं भी आपको ना फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ सपोर्टिंग की बात नहीं है, जो आपका धरातल है ना वो भी मजबूत है। तो मेरे ख्याल से आप राजनीति में आ जाओ और हम सब आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है, पूरा बिहार आपके साथ है। और ना मतलब आप हार मत मानना यार, अब तो वो समय आ गया कि आप खुद भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि आप तो अब एक सेंसेशनल हो चुके हैं चाहे पूरे देश में मान लो। तो आ जाओ राजनीति में और फाड़ के रख दो यार, मज़ा आ जाएगा। फिर अब यूट्यूब भी करना, MLA भी बन जाना, मज़ा ही आ जाएगा। चलो फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो मेरी भावनाएं थी मनीष कश्यप जी के लिए मैंने वो कह दी, क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं ऐसा यार। एक वो आर्मी वाले बेटे भी हैं और आर्मी बैकग्राउंड से मैं भी रखता हूँ ताल्लुकात, तो फिर ठीक है। और हैं बंदे में फाइट वाला दिखता है भाई, तू रॉक है, टेंशन नहीं लेने का, राजनीति में आने का फट डालने का। ओके चलो, आपकी वीडियो कैसे लगी बताना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लेना और मनीष कश्यप जी के पास ये वीडियो पहुँचा देना यार कि उनके सपोर्टर बहुत हैं। जय हिंद जय भारत, खुलेआम।